आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन बी मीर कासिम ने, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला ने और ऑप्शन डी शाह आलम ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शाह आलम ने। जी हाँ, शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कौन की थी? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कौन की थी? ऑप्शन ए क्लाइव ने, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लाइव ने। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यास्त कानून, जी हाँ सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया था? ऑप्शन ए रैयतों पर, ऑप्शन बी जोतदारों पर, ऑप्शन सी जमींदारों पर, ऑप्शन डी साहूकारों पर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमींदारों पर। जी हाँ, सूर्यास्त कानून जमींदारों पर लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीर अस्थाई व्यवस्था कब लागू हुआ था? जी हाँ, चीर अस्थाई व्यवस्था कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1774 में, ऑप्शन सी 1786 में, ऑप्शन डी 1793 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1793 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जी हाँ, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी कहीं नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन में। जी हाँ, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दामिन ई कोह में किसे बसाया गया था? जी हाँ, दामिन ई कोह में किसे बसाया गया था? ऑप्शन ए पहाड़ियों को, ऑप्शन बी संथालों को, ऑप्शन सी कोलों को, ऑप्शन डी मुंडाओं को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संथालों को। जी हाँ, संथालों को दामिन ई कोह में बसाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन कानून कब लागू हुआ था? जी हाँ, परिसीमन कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1759। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1859। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था? जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1813, ऑप्शन सी 1784 और ऑप्शन डी 1759। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1773। नेक्स्ट प्रश्न है, पिट इंडिया एक्ट कब बना था? जी हाँ, पिट इंडिया एक्ट कब बना था? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1786। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1784। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ, जी हाँ आनंद मठ का लेखक कौन हैं? आनंद मठ का लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र,
ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र। जी हाँ, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1866। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1757। जी हाँ,